भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? सुबह के 5:32 हो रहे हैं, एंड वी बोथ आर अवेक। ठीक है, चलो मतलब आज भी जल्दी उठ गए, क्यों? क्योंकि मिसेस की ड्यूटी है। चलो घर का काम निपटाते हैं, उसके बाद मिलता हूँ। ठीक है, आ जाओ भाई। डिशेज करनी है, डिशेज मतलब बर्तन धोनी है। बस अभी मिसेज ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है, तो वो भी बज रहे हैं नियर अबाउट, देख लो। ठीक है, चलो अपने दिन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिन में बने रहो, इधर उधर नहीं जाना। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मिसेज भी अभी थोड़ी देर के बाद तैयार होने ऊपर ही आएगी, तो मिसेज को छोड़ेंगे, फिर अपने दिन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिसेज अपने दिन को कंटिन्यू करेंगी। बाहर एक बार दिखा दूँ कैसा है, फिर सुन ले सकते। बाहर टोटल अंधेरा चल रहा है अभी। ठीक है ना, ऊपर से दिखाता हूँ एक बार बालकनी से। हाँ तो भाई, बाहर का अभी ये सीन है। ठीक है, मतलब दिन चढ़ाया थोड़ा थोड़ा, एक बार ऊपर भी देख लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिन चढ़ाया तो सही है। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। हाँ तो भाई, टाइम हो गया, मिसेस को ड्यूटी छोड़ते हैं। ठीक है, दिख गई? हाँ दिख गई। मिसेस को ड्यूटी छोड़ते हैं, फिर उसके बाद अपने दिन को कंटिन्यू करते हैं, मिसेस अपने डे को। ठीक है ना, चलो आ जाओ चलते हैं। बाइक कर दिया मैंने कोल्ड स्टार्ट, आ जाओ चलते हैं। ठीक है ना। हाँ तो भाई, मिसेस को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब बारी दूध उबाल रहा हूँ। ठीक है, ब्रेकफास्ट बना हुआ है, दलिया और रोटी बनी हुई है, रोटी बाद में खाएंगे। दूध इसलिए उबाल रहा हूँ, कल पैकेट आया बट उबाल नहीं पाए। ठीक है, तो इसको अच्छे से उबाल कर फ्रिज में रख देंगे, अगर मन किया तो एक गिलास दूध पी लेंगे। ठीक है, अभी दलिया को निपटाते हैं, फिर अपने दिन को भी निपटाएंगे। ठीक है, और अगर कल वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वाले को भी लाइक कर देना, कस यार सुबह 3 बजे से उठा हूँ। ठीक है, नींद आती नहीं है। ठीक है, और खुश रहने का मन करता है, तो इसी बात पे लाइक कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियोस देख के भी खुशी मिलती रहे। ठीक है ना, और क्या चाहिए, ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग, नथिंग एल्स, हैप्पीनेस जानी चाहिए। चलो आ जाओ। तो भाई, रेडी विद ब्रेकफास्ट, ये वाला ब्रेकफास्ट थोड़ी देर बात करेंगे, पहले इसको निपटाते हैं। ठीक है, और मम्मा पापा से भी बात कर लेंगे। आ जाओ। हाँ तो भाई, ऐसा है, अभी अपनी मिसेज को लेने जा रहा हूँ, बस नाइट लग गई है उसकी, तो अभी मतलब मॉर्निंग में फिर उसका उधर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो पैक कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्या हाल है सुनिए, कैसा है? हाँ तो भाई, टाइम हो गया जिम का, आ जाओ जिम चलते हैं। ठीक है, रास्ते में बताता हूँ आज कौन सी एक्सरसाइज है। हाँ तो भाई, टाइम हो गया जिम का, आज है मेरी लेग्स की एक्सरसाइज, आज पक्का वेट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है ना, गारंटी है, लिख के ले लो। चलो आ जाओ, लगाते हैं आज। ठीक है, और मम्मा पापा का बस छत्तीसगढ़ में एक दिन रह गया, तो वो भी कल ट्रेन को चढ़ जाएंगे। ठीक है, और परसों यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो चलो आ जाओ, पहले जिम लगाते हैं, फिर मम्मा पापा की वेट करते हैं। ठीक है, तो भाई डन विद जिम। ठीक है, पावरफुल वर्कआउट हुआ आज। ठीक है, घर जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, अभी जाना है मुझे, मेरे मामा का हैप्पी बर्थडे है, मामा का हैप्पी बर्थडे, तो उन्होंने प्रेयर में बुलाया, मतलब रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि आ जाओ, तो फ्रेश होने के बाद उधर जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले फ्रेश होते हैं फिर मिलता हूँ। हाँ तो भाई, अभी का इंसिडेंट, बिल्कुल अभी का इंसिडेंट बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा रोड सेफ्टी का ख्याल रखा करो लोगों, क्यों बोल रहा हूँ, कज अगर आप अकेले चला रहे हो, किसी के साथ चला रहे हो, अपनी सराउंडिंग्स का, रोड प्रेजेंस अपने माइंड में रखो थोड़ी सी। अभी क्या हुआ, 3 लड़के इस साइड से जा रहे थे,
ठीक है, मतलब तीन चार एक्टिवा थी उनके पास, बाकी तीन लड़के तो निकल गए एक बाइक पे, ठीक है। दो लड़के इकट्ठे आ रहे थे, एक के पास खुद की एक्टिवा थी, दूसरे के पास खुद की, वो पता नहीं शायद बात करते हुए आ रहे थे। दूसरे लड़के का ध्यान नहीं पड़ा, सामने खड्डा था तो उसका पहला टायर खड्डे में घुस गया, ठीक है ना। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, रोड सेफ्टी का ध्यान रखा करो, खुद भी मतलब अपना नुकसान करवाओगे, दूसरों का भी नुकसान करवाओगे, थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। मैं खुद भी ध्यान देता हूँ रोड सेफ्टी में अब, ठीक है। पहले थोड़ा बचपना था, अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, कज हमें कुछ हो गया तो मानो घर संभालने वाला ज़्यादा कोई है नहीं, बाहर जाने जाने वाले हम ही लोग हैं और आप लोग भी हैं, तो केयरफुल रहिए रोड सेफ्टी के मामले में। इफ़ यू ड्राइव, इफ़ यू राइड, वेयर अ हेलमेट, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वेयर अ हेलमेट और ध्यान से चलाओ, दूसरों को देख के चलाओ, ठीक है। हम सही चला सकते हैं, दूसरा क्या पता इतना केयरफुल ना हो, तो हम लोगों को केयरफुल होके चलना है, ठीक है ना। चलो आ जाओ। हाँ तो भाई, ऑन अ सीरियस नोट, यहाँ हमारे गली के पीछे एक जॉय भैया रहते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बोल रहा था ना कि थोड़ा आप लोग संभल के चला करो, दूसरों को भी देख के चला करो गाड़ी बड़ी। तो क्या हुआ, अभी वो अपनी ड्यूटी से ऑफ हुए थे तो पीछे से गाड़ी i10 या स्विफ्ट आई, उनके ऊपर चढ़ा के चली गई उनकी राइट वाली रिब्स, और यहाँ पे कुछ चोटें आई हैं। आई होप ही गेट्स वेल, ठीक है। कुछ ना हो, प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए बोल रहा था भाई, प्लीज़ आप अगर रोड पे जाते हो बी वेरी वेयर, रोड कोई मजाक मस्ती की चीज़ नहीं है। आप अपना व्हीकल लेके जा रहे हो, खुद का भी ख्याल रखो, दूसरों का तो ख्याल रखना ही है यार, ठीक है ना। सबसे पहला खुद, फिर दूसरे को देखो कि हाँ वो कैसे चला रहे हैं। तो हमें अगर सामने वाले की ड्राइविंग समझ नहीं आ रही, जाने दो पहले उसको, अपने आप को साइड रोड पे लगा लो। एंड प्लीज़, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हाँ जी फ़ोन कान पे लगा लेते हैं और ड्राइव करते रहते हैं। आपने मोस्टली देखा है, मैं जब ड्राइव करता हूँ मेरी मिसेज मेरे फ़ोन को पकड़ लेती है, उसने बाजू से हैंडल पकड़ा होता है, तब वो फ़ोन को मेरे शोल्डर पे प्लेस करती है, ठीक है। शी इज़ वेरी केयरफुल, ठीक है। और हम बहुत कम से कम स्पीड पे चलाते हैं, एंड वी यूजली डू नॉट शूट एट हाई स्पीड्स। तो मैं चाहता हूँ भाई, अगर आप फ़ोन कान पे लगा के ड्राइव करते हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। आज भैया की हालत आई होप सुधर जाए, ठीक है ना। ये बात बहुत सीरियस थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अगर आपको सीन दिखाता कि जिस समय मैं बोल रहा था कि एक लड़के का टायर खड्डे में चलेगा, मतलब उस सीन से मैं थोड़ा डर गया हूँ, ठीक है ना। आपको भी डरना चाहिए, क्यों? क्योंकि रोड पे सेफ्टी, हमारे पास लिबर्टी नहीं है रोड के बीच में पैदल चलने की, ठीक है। हम रोड के साइड पे पैदल चल सकते हैं, अगर हम लिबर्टी को ये मान लें कि हाँ हमारे पास इतनी लिबर्टी है कि हम रोड के बीच में पैदल चलते जाएंगे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई वाके उड़ा देगा। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं और आपके सामने या अगर आपके पीछे कोई है, उनकी स्पीड मेंटेन, उनकी स्पीड देख के हम अपनी स्पीड को मेंटेन कर लें। बाइक के ऊपर मतलब आई कैन नॉट बिलीव, सिर्फ ना 30-40 की स्पीड वाली रोड के ऊपर उनके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी यार। एंड आई वॉज रियली फीलिंग वेरी बैड जब मुझे न्यूज़ मिली। सो प्लीज़ प्रे फॉर हिम, ठीक है। भाई का नाम है जॉय बेनहर, तो प्रार्थना करो, बेनहर भैया बोल सकते हो आप लोग, प्रार्थना करो, उनकी फैमिली को प्रेयर में याद रखो, सो दैट ही मे गेट वेल, ठीक है। हाँ तो भाई टाइम हो गया, ठीक है, अभी जा रहा हूँ मामू के बर्थडे की प्रेयर में, ठीक है। मिसेस तैयार होगी अभी थोड़ी देर तक, तो आज मिसेस की नाइट ड्यूटी है, मिसेस को भी ड्रॉप करना है, हो सके तो शायद मुझे भी मिसेस के साथ जाना पड़े, कज डिपार्टमेंट थोड़ा दूर सा है, अलग सा है, तो उधर रात को कोई होता नहीं, तो शायद स्टे करना पड़े। तो चलो आ जाओ, चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मिसेज की भी ड्यूटी जल्दी है, मामू की भी प्रेयर जल्दी है, तो निपटा के फटाफट आ जाते हैं। हाँ तो भाई प्रेयर थोड़ी देर तक स्टार्ट होगी, उसके बाद में, ठीक है, बीच में दिखाता रहूँगा प्रेयर का, ठीक है, ओके। हाँ तो भाई हुआ है मामा के बर्थडे पे, एक्चुअली प्रेयर स्टार्ट नहीं हुई थी, काफ़ी लेट हो रहा था, मेरे मिसेस का टाइम भी हो रहा था, इसी वजह से मैं आ गया। चलो मामा को बर्थडे विश वगैरह कर दिया, ठीक है, मिसेस को छोड़ दिया। इसी बात पे इस वीडियो को एंड करते हैं, एंटिल द टाइम फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ग्रासियस, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अडियोस।
Thank you.